ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च पीएसएलवी आज भारत का एक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। इसने विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। पिछले 25 सालों में 52 भारतीय और 28 अन्य देशों के 239 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। अपनी सफल उड़ानों की वजह से पीएसएलवी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने आप को मुख्य एवं सहयोगी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कम लागत वाले प्रक्षेपण यान के रूप में स्थापित कर लिया है। आगामी अभियान में कोर अलोन रूप में पीएसएलवी C-43 द्वारा 31 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इनमें भारत का मुख्य उपग्रह हाइसिस एवं 30 अंतर्राष्ट्रीय साथी उपग्रह शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मलेशिया और स्पेन के उपग्रह पहली बार भारत से प्रक्षेपित किए जाएंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से पीएसएलवी C-43 उड़ान भरेगा। पीएसएलवी 4 चरणों वाला यान है, जिसमें क्रमानुसार ठोस एवं तरल चरण होते हैं। प्रथम चरण में 139 टन वजनी ठोस ईंधन वाली एक बड़ी रॉकेट मोटर होती है। पीएसएलवी के दूसरे चरण में विकास रॉकेट इंजन होता है, जिसमें धरती में संग्रह हो सकने वाला 42 टन तरल ईंधन होता है। पीएसएलवी के तीसरे चरण में एक ठोस मोटर होती है, जिसमें 7.65 टन ठोस ईंधन होता है, जबकि चौथे चरण में 2 तरल इंजन होते हैं और इसमें 2.5 टन ईंधन होता है। वर्तमान पीएसएलवी C-43 अभियान में रॉकेट 6 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के बिना उड़ान भरेगा और उपग्रहों को 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करेगा। इसरो द्वारा विकसित करीब 380 किलोग्राम वजनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट हाइसिस अति आधुनिक भू अवलोकन उपग्रह है। इसे 630 किलोमीटर के ध्रुवीय पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले इंफ्रारेड एवं शॉर्टवेव क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। हाइसिस 10 नैनोमीटर के रेजोल्यूशन पर 400 नैनोमीटर से लेकर 2500 नैनोमीटर के रेंज में काम करेगा। यह उपग्रह कृषि, वन्य, मिट्टी के निरीक्षण, भूविज्ञान, समुद्र तटीय अध्ययन इनलैंड वाटर स्टडीज, पर्यावरण के निरीक्षण, उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जानकारी एवं अन्य बहुत से कार्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हाइसिस के साथ ही उपग्रहों में 8 देशों के 1 माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह शामिल है। हाइसिस के अलग होने के बाद चौथे चरण को पुनः प्रज्वलित कर साथ ही उपग्रहों को 504 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 29 में से 22 नैनो उपग्रह एवं 1 माइक्रो उपग्रह अमेरिका का है। इसमें 16 फ्लॉक 3R भू अवलोकन उपग्रह और 4 लेमूर उपग्रह है, जो वेसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से सुसज्जित है। HSAT-1 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है एवं सिसरो 8 पृथ्वी के लगातार दुरावलोकन के लिए सामुदायिक शुरुआत है। पृथ्वी के चित्रीकरण के लिए अमेरिका का माइक्रो सैटेलाइट ग्लोबल 1 है। पीएसएलवी C-43 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले अन्य 7 नैनो उपग्रहों में ऑस्ट्रेलिया का सेंचुरी, कनाडा का केपलर, कोलंबिया का फैक्सैट, फिनलैंड का रिएक्टर हेलो वर्ल्ड, मलेशिया का इनोसैट 2, स्पेन का 3CAT-1 एवं नीदरलैंड का हाइबर शामिल है। सभी अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह इसरो की व्यवसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा व्यवसायिक रूप से अनुबंधित किए गए हैं। अपने एक और महत्वपूर्ण अभियान को पूरा करने के लिए पीएसएलवी C-43 अंतरिक्ष में अपनी ऊंची उड़ान के लिए तैयार है।